हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक। एक बार मैं फिर से आपके साथ हूँ। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। इसमें हम करेंगे वॉइस राइज के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि कौन कौन वॉइस राइज आए, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले वॉइस राइज यहाँ पर आते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं और पहले वॉइस राइज होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इन्होंने विड्रू कर दिया। जो किसने किया था स्टार्ट, लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था, और इनके ही टाइम में क्या होता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, म्यूटिनी होती है, सारे लोग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, कहते हैं क्यों ना हम एक थोड़ा हाथ हाथ कर लें। तो गाइस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उनके दौरान इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा, आपने सुना होगा इसको, आईपीसी की धारा इतने के तहत वो किया गया। तो इनके ही दौरान में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या हुआ, जब ये वाइसराय थे इंडिया के, तो इसको पास किया गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1858 का एक्ट भी यहाँ पर पास किया, जिसने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया। तो गाइस जब हमारा चार्टर एक्ट गवर्नमेंट, ये चार्टर एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब हमारा क्या होता है यहाँ पर लागू होता है, इसके दौरान क्या होता है, बहुत सारी चेंजिंग्स यहाँ पे, रिवर ऑफ चेंजिंग्स यहाँ पे करी जाती हैं। ठीक है, जिससे हमारा गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा क्राउन रूल होता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी का रूल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जब हमारा एक्ट 1858 का पास होता है यहाँ पर। ठीक है, और इनके ही दौरान में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, इनको इस्टेब्लिश करा जाता है 1857 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला वाला जो हमारा वाइसराय आते हैं, वो आते हैं गाइस हमारे सामने लॉर्ड एल्गिन, 1862 में आते हैं। तो इनके दौरान वहाबी मूवमेंट यहाँ पर शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते हैं हमारे यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट्स की यहाँ पर बुनियाद डाली, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, कब, 1865 में। ठीक है, और इन्होंने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को शुरू किया यूरोप के साथ, और इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट कर दीजिएगा कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसने बनाया था, गाइस लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने इसको यहाँ पर क्रिएट करा था। ठीक है, और टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को यूरोप के साथ इन्होंने ओपन किया था, शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड मायो, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है। ठीक है, इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और सेंसस यहाँ पे हुआ था 1871 में, 1871 में यहाँ पे पहला सेंसस हुआ था, याद रखिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा दीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में उसके प्रोसेस को शुरू करा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज एट अजमेर इंडियन प्रिंसेस के लिए, जो इंडिया के यहाँ पे प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनके लिए शुरू किया। ठीक है, वो पहला वाइसराय था, ही इज़ द ओनली वाइसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय ए पठान कन्विक्ट इन द अंडमान 1872। ये पहला वाइसराय था जिसको कत्ल कर दिया गया था, कहाँ पे, उसके ऑफिस में, किसने किया था, पठान के कॉन्विक्ट जो थे अंडमान में, 1872 में इनका क्या किया गया था, इनको मार दिया गया था। ठीक है गाइज, चलते हैं आगे। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक करके, तो इनके दौरान में क्या होता है, कूका रेबिलियन पंजाब में होता है। ठीक है, और बिहार में बहुत बड़ा फेमाइन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गाइज हमारे सामने लॉर्ड लिटन करके, ये क्या होते हैं, इनको वाइसराय ऑफ रिवर्स करैक्टर, याद रखना कि वाइसराय ऑफ रिवर्स करैक्टर किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 ये पास करते हैं, और एंड असम्पशन द ऑफ टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाई क्वीन विक्टोरिया, तो इनको क्वीन विक्टोरिया के उससे क्या मिलता है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल इनको दिया जाता है, द दिल्ली दरबार इन जनवरी 1877। ठीक है, इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके ही दौरान में होता है, इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। रिस्ट्रिक्शन सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर एक्ट में क्या किया गया था, और आर्म्स एक्ट
इसमें क्या किया गया था, मैंडेटरी किया गया था कि इंडियन को लाइसेंस मिलना चाहिए आर्म्स का, यानी कि हथियारों का मिलना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था, इसको गैगिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, यानी कि जो भी यहाँ के क्या निकलते थे, प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पर निकलता था, जो यहाँ पर क्या होता था, जो यहाँ पर अखबारें छपती थी, पब्लिश होती थी, तो वो उनके बारे में लिखती थी, इसलिए उनकी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो वर्नाक्यूलर एक्ट यहाँ पर पास किया गया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन इसके बाद आते हैं, तो लॉर्ड रिपन यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, ठीक है, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हुआ 1881, ठीक है, क्या करता है, वो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, कहते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है 7 साल से नीचे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया 1882 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1882 का था उसको इन्होंने रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। फाइनेंसिस ऑफ द सेंटर, जो सेंटर के फाइनेंसिस थे उनको इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और लॉर्ड रिपन ऑफ इंडिया, याद रखना लॉर्ड रिपन ऑफ इंडिया को फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं, जैसे कि आज हमारी पंचायत है, ठीक है, तो उनका फाउंडिंग फादर कहा जाता है गाइस लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, एक एजुकेशन कमिटी कमीशन इन्होंने क्या किया, अपॉइंट की, उसका इन्होंने चेयरमैन किसको रखा, सर विलियम हंटर को, किसके लिए, यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने सिस्टम को लाया, ठीक है। इसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में आती है, ठीक है, एनेबल्ड इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे तो वो यूरोपियन क्रिमिनल्स को भी क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी, उनके लिए भी वो लड़ सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इसके बाद आते हैं गाइज हमारे सामने लॉर्ड डफरिन करके, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन क्या करते हैं, इनके शासनकाल में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले 1885 में क्या होती है, बुनियाद डाली जाती है, ठीक है। तो और थर्ड बर्मीज वार इनके शासनकाल में होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी, ठीक है, तो इनके चेयरमैन किसको रखा गया था, तो ए ओ ह्यूम, किसको रखा गया था गाइज, ए ओ ह्यूम, याद रखना आप। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, इनके जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था 1891, जो वीकली हॉलीडे उनको देता था, और इन्होंने क्या किया, स्टिप्यूलेट वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, उनको क्या कर दिया, औरतों के लिए, बच्चों के लिए वर्किंग आवर्स को कम कर दिया, सिविल सर्विसेज को डिवाइड कर दिया इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज में, ठीक है। इंपीरियल जो सबसे टॉप पे होंगे, फिर उसके बाद प्रोविंशियल, उसके बाद सबॉर्डिनेट सर्विसेज, उनको सबॉर्डिनेट करेंगे, तो उनको भी इन्होंने डिवाइड किया लॉर्ड लैंसडाउन ने, ठीक है। उसके बाद आता है गाइज हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, दुरांद कमीशन, ठीक है, जो दुरांद कमीशन यानी कि इंडिया की और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, ठीक है, इन्होंने दुरांद लाइन को यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के अफगानिस्तान के बीच में किया, जो आज जो है पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। दुरांद लाइन पहले क्या थी, जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया के अंडर था, तो पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, तो ब्रिटिश इंडिया पूरा हो गया वो पाकिस्तान को मिला के। तो गाइस जो लाइन थी ब्रिटिश इंडिया की और अफगानिस्तान की, उसको कहते थे पहले दुरांद लाइन, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंदर यही हुई थी, दुरांद कमीशन यहाँ पे एक बनाया गया था, ठीक है। तो आज जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपका, एक और चीज़ आपने सीख ली। लॉर्ड एल्गिन सेकंड 1894 से 1999 तक इनका शासन रहता है। तो इनमें क्या होता है कि साउथ में अपराइजिंग हो जाती है, साउथ वाले लोग जो होते हैं वो भी जाग जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम क्यों किसी पीछे रहें। और इनके दुशासन काल में क्या आता है कि 1896 का ग्रेट फेमाइन यहाँ पर आता है, बहुत ही बड़ा अकाल आता है, और लायाल कमीशन ऑन फेमाइन, और फेमाइन के बारे में जानने के लिए, लोगों को इस फेमाइन से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लायाल कमीशन एक यहाँ पर इस्टेब्लिश करी जाती है इनके शासन काल में, ठीक है गाइज। इसके बाद आते हैं गाइज हमारे पास लॉर्ड कर्जन, ठीक है, एक कमीशन जो है इनके अंदर अपॉइंट करी जाती है सर थॉमस रैलेग 1902 में। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग वो कुछ रिफॉर्म लाना चाहते थे, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 को पास करते हैं इनके रिकमेंडेशंस पे, जो ये कमीशन बिठाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग, तो उसी के सर थॉमस रैलेग जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं उस कमीशन के, उस कमेटी के, तो उनकी रिकमेंडेशन पे वो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 का पास करते हैं यहाँ पे। और
एनिशेंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 को भी पास करते हैं, इसलिए आर्कियोलॉजिकल ASI इसको भी क्या करते हैं, इसको भी एस्टैब्लिश करते हैं। तो गाइस राम मंदिर केस में, बाबरी मस्जिद केस में आपने आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से जाना होगा, ठीक है, सुना होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करा गया पूसा में, सॉरी पूना में, पूसा इन दिल्ली में। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल को, बंगाल की पार्टीशन हुई 1905 में, ठीक है, उस वक्त कौन था यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। चलते हैं आगे, लॉर्ड मिंटो, फिर लॉर्ड मिंटो आते हैं। तो लॉर्ड मिंटो के दौरान क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाती है, मुस्लिम लीग यहाँ पे शुरू हो जाती है, सूरत सेक्शन जो होता है, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे आपको इतने याद रखना है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स यहाँ पे आती है 1909 की, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग आते हैं यहाँ पे, गज ये अलग हैं, लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा राइट करना भूल गया। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है लॉर्ड मिंटो के बाद आते हैं, क्या करते हैं वो कलकत्ता से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं। गज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी कापी पे नोट कर दीजिए, क्या है कि हमारी कैपिटल जो थी पहले कलकत्ता थी, याद रखिएगा, पहले ब्रिटिश इंडिया कैपिटल कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी। उसके बाद जब यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंगे हमारे वॉइसराय आते हैं, ठीक है, जब लॉर्ड हार्डिंगे यहाँ पे वॉइसराय आते हैं तो क्या करते हैं 1911 में वो कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा गाइस, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली दरबार यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, और हिंदू महासभा 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के जरिए क्या बनाई गई थी, हिंदू महासभा को 1950 में फाउंड किया गया था, किसने करा था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, ओके। लॉर्ड कैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक इनका शासनकाल रहता है। तो 1950 में जो है, जनवरी 1950 में यहाँ पे महात्मा गांधी जो है वो चिल मारने कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे, तो चिल मार के वो वापस आ जाते हैं कब, 1915 में, ठीक है, और अपना एक साबरमती आश्रम 1916 में वो शुरू करते हैं। उसके बाद आते ही चंपारण सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, भाई एक साल तक घूमते हैं 16 में, 1918 में क्या करते हैं, 16-17 में आके यहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद सत्याग्रह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वहाँ पे करते हैं। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। तो मैंने कहा पहले कि थोड़ा चिल मारने जाते हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो गाइज वो बैरिस्टर होते हैं, तो वहाँ जाके भी वो चुप नहीं बैठते, वहाँ जाके भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, बट यहाँ इंडिया में आके पहले वो एक साल क्या करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, मैं थोड़ा चिल मारता हूँ, देखता हूँ कि किस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। एक साल के बाद तो पहला क्या काम करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम में क्या होता है, अगस्त डिक्लेरेशन होती है 1917 में। इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं गाइज, हम टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बाई मोंटैग एंड देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999। ये सब चीज़ें लॉर्ड कैम्सफोर्ड के अंदर, मोंटैगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यहाँ पे आपने पढ़ी होगी, जब अगर आपने इंडियन पॉलिटिक्स अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद रिवॉल्ट एक्ट भी इनके उसमें होता है, रिवॉल्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या था, बिना किसी उसके, ठीक है, ट्राई, मतलब सीधा आपको क्या करना है, बिना आपको ट्रायल के ही आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर इनके ही शासनकाल में होता है, ठीक है, बहुत ही महारथी होते हैं ये। खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे शुरू की जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की जाती है, और वुमेन्स की यूनिवर्सिटी को पूना में फाउंड किया जाता है 1916 में। ये इनका इंपॉर्टेंट एक अच्छा काम रहता है इनके समय में। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, अब ये क्या क्या रीडिंग करते हैं यहाँ पे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिवॉल्ट एक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्या उन्होंने कहा था कि कोई भी आदमी आर्म्स अपने पास नहीं रह सकता है, ठीक है, कोई आदमी कुछ करेगा उसको सीधा आप अरेस्ट कर दीजिए बिना किसी पूछताछ के। चोरी चोरा इंसिडेंट यहाँ पे एक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीधा ही पुलिस वालों को उनके ही उसमें जला दिया जाता है, ठीक है। RSS को फाउंड किया जाता है 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सप्रेस किया जाता है यहाँ पे, और एक स्वराज पार्टी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। मोपला रेबिलियन होता है यहाँ पे, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी में एक ट्रेन रॉबरी होती है। तो कम्युनल राइट्स जो होते हैं 1923 से 25 में मुल्तान में, अमृतसर में, दिल्ली में होते हैं, ठीक है। कम्युनल दंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे।
उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। तो लॉर्ड इरविन के टाइम में क्या होता है गाइज, लॉर्ड इरविन के टाइम में साइमन कमीशन जो इंडिया में आता है 1927 में, कांग्रेस जो एक इंडियन रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करती है 1929 में, दांडी मार्च होता है जहाँ पे गांधी जी वो निकालने चले जाते हैं, नमक निकालने चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आती है 1930 में, पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गाइज जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पढ़ने वाले हैं गाइज आगे वाली वीडियोज़ में, हम इसकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इससे हम इस वाइसराय के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। टाइम याद रख लीजिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हुई होंगी। गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी के बीच में इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, फिर लाहौर सेक्शन होता है कांग्रेस का, और पूर्ण स्वराज डिक्लेयर यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइज हमारे पास लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। तो लॉर्ड विलिंगडन का यहाँ पे क्या रोल रहता है इनके, उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होती है 1931 में, ठीक है, और थर्ड होती है 1932 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इनके उसमें पास किया जाता है, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड जो है यहाँ पे 16 अगस्त 1932 उसको, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर गांधी जी। वेंट ऑन एन एपिक फास्ट, और फिर गांधी जी यहाँ पे एक फास्ट करते हैं, फास्ट अनटू डेथ, और इस डिवीजन के खिलाफ वो लड़ते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गाइस हमारे पास लॉर्ड लिंगित गो, ठीक है, लिंगित गो आते हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री रेजिग्नेशन सेलिब्रेटेड डिलीवरेंस डे, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री यहाँ पे रिजाइन करती हैं उसको कहते हैं डिलीवरेंस डे बाय द मुस्लिम लीग, इसको क्या करती है डिलीवरेंस डे की तरह इन्होंने मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया मुस्लिम लीग ने, उन्होंने कहा कि उनको मुस्लिम के लिए सेपरेट क्या होनी चाहिए, स्टेट होना चाहिए। इस सेक्शन में क्या होता है, जिन्ना जो है अपने टू नेशन की थ्योरी यहाँ पर प्रोपाउंड करता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है इनके ही, तो इनके ही शासनकाल में 1939 में, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आती है 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट आती है फिर 8 अगस्त 1942 में, इनके शासनकाल में ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं गाइज लॉर्ड वेवल प्लान के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो इनके ही समय में यहाँ पे आता है 1946 में, ठीक है। पहली मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इनके ही शासनकाल में होती है, जब क्या होते हैं जब लॉर्ड वेवल यहाँ पे वाइसराय होते हैं, ठीक है। तो पहली मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इनके ही टाइम में होती है, और शिमला कॉन्फ्रेंस जो होती है 25 जून को, ठीक है, ये भी इनके ही इसमें होती है। इसमें क्या होता है, फिजर ऑफ टॉक्स इंडियन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस के बीच में क्या होता है, यानी कि वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन जो है वो भी इनके ही टाइम में होते हैं, और एक इंटरिम गवर्नमेंट को नेहरू के अंडर यहाँ पे अपॉइंट करा जाता है, ठीक है गाइज। फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लास्ट वाइसराय, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसराय और पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसको दिन को इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। इनके दौरान में क्या होता है, पार्टीशन इंडिया की यहाँ पे हो जाती है। थर्ड जून प्लान आर माउंटबेटन प्लान जिसे कहा जाता है, ठीक है, और 1948 जून में ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राजगोपालाचारी को यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहले और लास्ट गवर्नर जनरल जो होते हैं फ्री इंडिया के कौन होते हैं, राजगोपालाचारी होते हैं। इसके बाद गाइज क्या होता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ पे पास करा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए, वो कब करते हैं, 4 जुलाई 1947 को, जिससे क्या होता है इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, कब, 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ से क्या हो जाता है गाइज, हमारे वाइसराय भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारा देश भी, हमारा मुल्क भी आज़ाद हो जाता है। तो ऐसे करते हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक अलग टॉपिक होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू होता है अच्छे तरीके से। तो गाइज इसी के वीडियो खत्म करता हूँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।